शुक्रवार जहां एक तरफ रिलीज हुई करण जौहर की फिल्म ए दिल है मुश्किल, तो दूसरी तरफ रिलीज हुई अजय देवगन की फिल्म शिवाय। दोनों ही फिल्में एक दूसरे से काफी अलग थी, लेकिन कमाई के मामले में ए दिल है मुश्किल अजय देवगन की शिवाय पर भारी पड़ गई है। दोनों फिल्मों की रिलीज से पहले जो माहौल था उससे तो यही लग रहा था कि शिवाय अच्छा प्रदर्शन करेगी और ए दिल है मुश्किल पर विरोध का असर दिखेगा, लेकिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कुछ और ही कहानी कह रही है। हम सबसे पहले बात करते हैं करण जौहर की फिल्म ए दिल है मुश्किल की। इस फिल्म की कमाई की बात करें तो रिलीज होने वाले दिन यानी शुक्रवार को फिल्म ने 13,30,00,000 रुपए की कमाई की थी। इसके बाद छोटी दिवाली वाले दिन यानी शनिवार को भी लोगों ने बिजी शेड्यूल के बीच टाइम निकालकर फिल्म देखी और शनिवार को फिल्म ने 13,10,00,000 रुपए कमाए। रविवार यानी दिवाली के दिन भी लोग ऐश्वर्या राय बच्चन और रणबीर कपूर के लिए थिएटर्स में पहुंचे। रविवार की कमाई की बात करें तो फिल्म ने रविवार को 9,20,00,000 रुपए कमाए। यानी फिल्म के अब तक की कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म के खाते में करीब 35,60,00,000 रुपए हैं। वहीं अगर शिवाय की कमाई की बात की जाए तो फिल्म ने पहले दिन 10,24,00,000, दूसरे दिन 10,06,00,000 और तीसरे दिन 8,26,00,000 की कमाई की है। इस तरह से शिवाय ने 3 दिन में 28,56,00,000 की कमाई कर ली है। दोनों फिल्मों की कमाई में तकरीबन 7,00,00,000 का अंतर है। दोनों फिल्मों के लिए ये कमाई इसलिए अच्छी मानी जा रही है क्योंकि दिवाली की वजह से लोग वैसे ही काम में व्यस्त रहते हैं। बावजूद इसके फिल्म ने दर्शकों को अपनी तरफ खींचा है। आपको बता दें कि इन दोनों ही फिल्म के बजट में काफी अंतर था। जहां ए दिल है मुश्किल का बजट 70 करोड़ था, वहीं फिल्म शिवाय का 105 करोड़ था। इसके अलावा अगर बात की जाए 2011 से 2015 के बीच के दिवाली रिलीज फिल्मों की, तो सभी फिल्मों ने 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है। अगर यही ट्रेंड बना रहा तो बेहद ही आसानी से ए दिल है मुश्किल और शिवाय 100 करोड़ क्लब में शामिल हो जाएगी।